गुड मॉर्निंग गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपने घर में मजे कर रहे होंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग जो होगा ये डेली व्लॉग के जैसा ही होगा। घर पर ही कुछ काम है, वो खत्म करवाना है, तो आज लाइटिंग वाले भी काम करने लग जाएंगे। वो मैं आपको कल दिखाऊंगा कि कितना काम कर लिया, क्योंकि आज तो वो अपना सामान लेने के लिए गए हैं और सामान लेकर रख देंगे। थोड़ा बहुत लाइटिंग का काम होगा तो उसमें तो कुछ खास दिखाने के लिए नहीं होगा। कल से लाइटिंग का काम वो प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे। और आज मैं गांव में भी जा सकता हूँ गाय को देखने के लिए कि गाय ठीक है, वहाँ पर कैसे उनकी केयर हो रही है, क्या कर रहे हैं। गांव में ताया चाचा जी हैं, वो सब काम करते हैं, मतलब अपनी गाय का भी करते हैं तो साथ में हमारे का भी कर लेते हैं। हमारी गाय का भी ध्यान वही रखते हैं। मैं देखने जाऊँगा कि गाँव में गाय हमारी ठीक है कैसे। मैं उस दिन से गाँव में नहीं गया हूँ, ना मैंने अपनी गाय देखी है कि गाय ठीक है या कैसी है, मोटी हुई या पतली हो गई, मैंने नहीं देखा। तो आज एक दो काम घर के करने हैं, थोड़ी सी डाइट लानी है। तो गाइस, एक दो दिन से डाइट बिल्कुल ख़राब हो रखी थी, एक दो दिन क्या है, दो हफ्ते हो गए थे। तो आज मैं अपनी पूरी प्रॉपर डाइट लूँगा और मैं आपको नीचे भी दिखा देता हूँ कितना काम हो चुका है नीचे। तो कल जो होगा, कल सीढ़ियाँ लग जाएंगी और जो गेट है वो लग जाएगा कल। मैं डेली बोलता हूँ मगर कल शायद पक्का लग जाएगा, क्योंकि भी जो गेट है वो हमने 7 फीट का बनवाया था, अब उसमें 2 फीट एक्स्ट्रा बढ़वा दिए ऊपर को, क्योंकि जो ऊपर की लंबाई है वो थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो इसलिए हमने 2 फीट और एक्स्ट्रा बढ़वा दिया है। तो मैं आपको कल दिखाऊंगी गेट लग के कैसे लगेगा और सीढ़ियाँ वगैरह जब लग जाएंगी कैसा होगा। और जो गाइस हमारा सेकेंड फ्लोर है उसका डिज़ाइन, जो फ्रंट डिज़ाइन होगा वो पूरा चेंज कराना है, तो अभी उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है कि उसको किसको कैसे चेंज कराना है और उसका इंटीरियर जो फ्रंट लुक होगा वो कैसा रखना है। जो भाई मेरे आसपास के उन्होंने सबने देखा ही है कि हमारा फ्रंट लुक जो सेकंड फ्लोर का है वो कैसा है, तो ये पूरा इंटीरियर सेकंड फ्लोर का चेंज कराना है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि कैसे चेंज होगा। कल या परसों से उसमें काम चल जाएगा सेकंड फ्लोर के इंटीरियर में, क्योंकि जब सीढ़ियाँ लगेंगी तो वहाँ पर टूट फूट स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सीढ़ियाँ बाहर से ही लगेंगी। जो नीचे हमारा बैठने वाला रूम है वो हमें सेकंड फ्लोर पर बनाना है बैठने के लिए। तो जो भी होगा गाइस वो आपको पता चलता रहेगा, आप देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नीचे कितना काम हो चुका है, ऊपर से ही दिखा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक तो इतना खास काम नहीं हुआ है, ना अभी छत डली है ना सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी हैं, तो आपको बाद में दिखा दूंगा जब एक दो दिन में काम कम्प्लीट होगा। तो मजे करिए, मस्ती करिए, आप चलते हैं नीचे। तो गाइस अब मैं दिखा दूँ आपको कि नीचे कितना काम हो चुका है, ये देखिए छत वगैरह टूट चुकी है, पिलर खड़े हो चुके हैं, साइड में मशीन चल रही है और ये हमारे मिस्त्री साहब देख हंस रहे हैं, पूरे मजे ले रहे हैं, काम तो कुछ करते नहीं बस। तो गाइस अब फिलहाल इतना कंप्लीट काम हुआ है, मिस्त्री लोग पूरे हंसते हैं जब मैं वीडियो बनाता हूँ, इनको पूरा मजा आता है, ये सोचते हैं कि हम भी वीडियो में आ जाएं। अभी तक बेचारे नहीं आए, एक दिन को इनको पूरा सबको लूँगा। तो लाइटिंग का काम मैं आपको कल दिखा दूँगा, क्योंकि अभी इतना खास कुछ काम नहीं हुआ है। अभी आज सामान आया है तो सामान सारा रखा गया है लाइटिंग का। कुछ लाइटें हैं जो जहाँ से हमने लाइटिंग का सामान लिया है वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, तो वो ऑर्डर कर रखी हैं, वो शायद एक दो दिन में आ जाएंगी। तो गाइस अब मैं दिखाता हूँ आपको कल, जितना भी कल काम कम्प्लीट होगा वो मैं दिखाऊँगा आपको कल। अब मैं जा रहा हूँ मार्केट कुछ सामान लेने के लिए, फिर हम जाएंगे गाँव में गाय के पास गाय को देखने के लिए, तो चलते हैं गाँव में। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मार्केट, मेरा कुछ डाइट का सामान खत्म हो रखा है डाइट का सामान लेने के लिए, डेली खत्म होता है डाइट का सामान, तो अभी लेके गया हूँ ऐसे में डाइट का सामान, बट कुछ चीज़ें थी जो मैं भूल गया हूँ ले जानी, तो मैं दोबारा से जा रहा हूँ उसको लेने के लिए। और डाइट का सामान भी क्या है गाइस, एगी है अपने बेचारे, प्रोटीन तो खत्म ही हो रखा है, डेली एक ही बात का रोना है, क्योंकि जब तक प्रोटीन आएगा मुझे सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा, सारी डाइट बिल्कुल ख़राब हो रखी है बिना प्रोटीन के, अंडे खाए नहीं जाते इतने और ना खाने का मन करता है। और जब डाइट ऐसा हो ना ऐसा होता है ना कि डाइट हमारे पास पूरी कंप्लीट नहीं है, तो हम चीट मील भी कर ही रहते हैं, क्योंकि पता है डाइट तो कंप्लीट है ही नहीं, और अंदर से भी मोटिवेशन सी नहीं मिलती है डाइट को कंप्लीट करने की, क्योंकि अगर एक भी सामान मिस हो तो मुझसे तो डाइट कंप्लीट नहीं हो पाती है। मैं कुछ ना कुछ खा लेता हूँ, और पहले रोटी वगैरह इतनी नहीं थी, अब तो रोटी भी काफ़ी खा रहा हूँ मैं, क्योंकि डाइट ही कुछ नहीं है, भूख लगती है पूरा दिन, अगर डाइट कम्प्लीट हो तो उसके अकॉर्डिंग तो चलता रहे बंदा। कुछ सामान है, 2-3 सप्लीमेंट्स है जो मेरे खत्म हो रखे हैं, वो मैंने दोनों तीनों ऑर्डर कर रखे हैं, अभी तो वो डिस्पैच भी नहीं हुए हैं वहाँ से। तो गाइस अभी हम आ गए हैं मार्केट में, तो गाइस मुझे पूजा के लिए कुछ सामान लेना है मम्मी के लिए, पहले मैं सामान ले लेता हूँ यहाँ से, फिर मैं अंडे ले लूँगा, सामने ही अंडे वाला है, और इधर जो पूजा के लिए चादर वगैरह चढ़ानी है वो है, और प्रसाद लेना है, तो पहले पूजा का सामान लेते हैं, अंडे फिर बाद में ले लेंगे।
इसका बेचारा कटते गिर गया था यार, गरीब आदमी देख कितना परेशान हो रहा है। तो भाई फिलहाल मैं सामान ले आऊं क्योंकि मेरे डैड का सामान खत्म हो रखा था। तो गाइस मैं सो गया था और अभी सोकर उठा हूँ और अब मैं जा रहा हूँ गांव में गाय के पास, क्योंकि गाय का जो सामान आया था आज, वो जब गाय का सामान आया था दोपहर के टाइम, तब से वो गाड़ी में पड़ा है जो गाय के लिए खल वगैरह उनको डालने के लिए होती है। बिक्का जो ड्राइवर है हमारा बिक्का चौधरी, ये पीछे हंस रहा है। तो अब हम जा रहे हैं गाँव में तो गाय का सामान लेकर, फिर गाय उधर गाय का सामान वहां पर रख कर आएंगे, और जो माजी पिताजी है मतलब बाबा जी और दादी जी, उनके लिए हम फैन लेकर जा रहे हैं वहां पर, उनको दे देंगे क्योंकि उनकी जो जहाँ पर वो लेटते हैं वहां पर छत का फैन नहीं है। तो अब चलते हैं गांव में। सबसे पहले रात हो चुकी है, बहुत ज्यादा गाली भी मिली है अभी थोड़ी देर पहले कि क्योंकि मैं अभी सोकर उठाऊँ, सुबह सो गया था 2 बजे और 2 बजे से अब मैं सोकर उठाऊँ। तो अब चलते हैं सबसे पहले गाय के पास गाय का सामान लेकर, वो गाँव में उतार देंगे क्योंकि गाय गाँव में ही है। तो अब चलते हैं गाँव में, चलिए। तो गाइस ये रही हमारी गाय, तो ये बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है, एक कहाँ भाई एक हो रही यहाँ पर, 5 है टोटल ही है। तो लाइटिंग का सिस्टम देसी हो रखा है फिलहाल, दिखा दिए लाइटिंग, ये लाइटिंग है, ये बिक्का चौधरी। तो लाइटिंग का सिस्टम आप देख लिया, अब आप गाय देख लीजिए एक बार। तो गाइस अब मैंने आपको अपनी गाय दिखा दी है, अब चलते हैं गांव में माजी पिताजी के पास, उनके वहाँ जो फैन दिया है पापा जी ने वो लगवाना है, और जो गाय के लिए सामान है वो गांव में मतलब जो घर है गांव का वहाँ पर रखना है सारा सामान, क्योंकि यहाँ पर नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर दरवाजा वगैरह नहीं है, दरवाजा तो है पर उस पर लॉक नहीं है, कभी पता चले यहाँ गाँव में उठा के कोई इसको भाग जाए, तो उसका सामान को गाँव में रख देते हैं। चलते हैं घर, जो गाँव में घर है उसके पास। जिम खुल रही है भाई की, तो सबको आना है अपने इधर हस्त मंदिर में, तो बोल अब हम घर आ चुके हैं, अब टाइम हो गया एक डिनर का, अब मुझे अपनी डाइट जो डिनर मील है वो प्रिपेयर करनी है। तो आई होप कि आप सभी को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा।
कभी मैं दिन में जाऊंगा गांव में, तब दिखाऊंगा आपको कि गांव में हमारा खेत वेत घेर जो जहां पर गाय बंधी हुई है वो सब कुछ कैसा है वो मैं आपको दिन में दिखाऊंगा। तो लेट हो गए थे, रात हो गई थी काफ़ी क्योंकि मैं सो गया था, वो भी थोड़ी देर में गाली मिलने वाली है बाद में, और कोई चलता ही था। तो अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ यानी कि कल। तो मिलते हैं कल गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, फिट रहिए, मजे करिए, एंजॉय करिए, और हाँ गाइस अच्छे से खाइए, अच्छे से रहिए, फिट रहिए, गुड नाइट, बाय बाय।